हरिद्वार के सांसद आदर्श ग्राम गोवर्धनपुर को लेकर दावे चाहे कितने भी हों, पर गांव में जमीनी हकीकत पर विकास अभी भी कहीं नजर नहीं आ रहा। गांव की टूटी सड़कें, गंदगी से अटे नाले और घर के सामने बह रहा गंदा पानी इन दावों की पोल खोल रहा है। सांसद निधि से जो योजनाएं शुरू की गई थी वो भी पैसा न मिलने के कारण अधूरी पड़ी है। अब एक साथ बहुत थी कि निसंग जी ने जो है गांव गोद लिया है, और जिस समय गोद लिया था गांव जो है उस समय तो जो है बहुत ही ज्यादा अपेक्षा थी गांव के लोगों को, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप यहां काम नहीं हुआ। काम जो है कागजी कार्रवाई ज्यादा हुई है, धरातल पर काम नहीं हुए। यहां पे गांव को निसंग जी ने गोद लिया तो उन्होंने हमारे यहाँ एक वादा किया था कि इस गाँव को मैं वो सुरख बना दूंगा कि जो आज तक मायावती ने बादलपुर बनाया था अपना गाँव। तो इसमें क्या किया उसने, जितना पैसा दिया उसके जितने भी पे थे, जितने उसके साथ के थे, सबका कमीशन बंधा गया था। इस गांव में कोई पैसा धरती पर नहीं लगा, बस आया है वो ऊपर ऊपर साफ गया। ये बनी ग्राम साड़ा, पिल्लीट लगी हुई है, कोई इसमें नहीं जोड़ का पैसा आया, कोई जोड़ की सफाई नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत के सुपुत्र आनंद रावत दिनेशपुर मार्केट में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और हरीश रावत के पक्ष में मतदान करने की अपील मतदाताओं से कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत जी के द्वारा जो उनके मुख्यमंत्री के 3 साल के कार्यकाल थे और उस कार्यकाल की जो उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों को लेकर के हम इस लोकसभा चुनाव में मैदान में हैं। और युवाओं के संदर्भ में हरीश रावत जी के 3 साल के कार्यकाल में जो 32,000 युवा साथियों को सरकारी नौकरी मिली, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो उल्लेख किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहले साल में ही हम 22 लाख युवा साथियों को सरकारी नौकरी देंगे और जो पद खाली उनको भरेंगे, तो इन मुद्दों को लेकर के हम युवाओं के बीच में जा रहे हैं। साथ ही साथ किसानों के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि पिछले 5 साल में किसानों की बदहाली सबसे ज़्यादा हुई है और कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों का कर्ज माफ करेगी। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह यादव पहुंचे सितारगंज, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गौरतलब है कि राजेंद्र सिंह यादव ने हरीश रावत के चुनाव प्रचार में भाग लिया था। आज भी मैं यहाँ अपने सितारगंज के आया हूँ, पार्टी राज्यपाल जी और बाकी साथी ये सब हम लोग पुराने साथी हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए हम आज से काम नहीं कर रहे हैं, बचपन से काम कर रहे हैं। इसलिए अपने क्षेत्र में आ रहे हैं। चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व रखता है, ये भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। देवी दुर्गा जी की पूजा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। भगवान श्री राम ने भी विजय की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा की उपासना की थी। ऐसे अनेक पौराणिक कथाओं में शक्ति की आराधना का महत्व व्यक्त किया गया है। इसी आधार पर आज भी माँ दुर्गा की पूजा संपूर्ण भारत वर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ की गई। वहीं हरिद्वार में भी भगवती के सिद्धि पीठों की चर्चा पौराणिक कथाओं में भी है। कहा जाता है कि 52 शक्ति पीठों की शुरुआत हरिद्वार से ही हुई थी। नवरात्रि में माँ दुर्गा का विशेष कर पूजा होता है। माँ शक्ति आराधना दुर्गा नौ देवी की सब शक्तिमान देवी कहलाती हैं। इसके ही 9 स्वरूपों का माँ का गुणगान किया जाता है। सभी भक्त लोग नवरात्रि के दिनों में 9 देवियों की लिए 9 दिन व्रत आराधना करते हैं। वो माँ का अपने घर पे जोड़े बोकर धूप माला भोग प्रसाद लगाकर माँ की सेवा अर्चना करते हैं। हरिद्वार लोकसभा चुनाव के चलते राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी के ब्रांड नेताओं को बुलाकर जनता के बीच खुद की पैठ बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। उसी क्रम में आज कांग्रेस प्रत्याशी अमरीश कुमार के लिए लक्सर में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा को हटाया है बीजेपी ने उत्तरपुर से। हमने इतना कहा कि हम समीक्षा कर जो उसमें 3 एस्पेक्ट थे, उसमें यौन उत्पीड़न का, टॉर्चर का और पोस्ट डिसअपीयरेंस का, उस पर रिव्यू कर सकते हैं। हटाने के बाद किसी ने करी नहीं। हमारे सैनिकों का बलिदान हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक पूंजी है और हम उसको जाया नहीं जाने देंगे। ये ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि महंगाई पे बात करो, रोजगार पे करो, किसान आत्महत्या पे करो। 3 लाख करोड़ रूपए 10 उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं तो भारत की सरकार 3.5 लाख करोड़ रूपए गरीबों के लिए दे सकती है।